दोस्तों तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से करीब 76 साल पहले चारों तरफ लोगों की भीड़ खचाखच भरी हुई थी। एक तरफ लोगों के अंदर आजादी की उम्मीदें बढ़ती जा रही थी और वहीं दूसरी तरफ अखंड भारत को बंटने की तैयारी में था। उस समय रात के करीब 9 बज रहे थे। दिल्ली में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ जम की बारिश हो रही थी। अलग अलग जगह से आकर लोग रायसेना हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे और वहाँ पर कुछ ही समय में लाखों की भीड़ जमा हो गई। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और माउंट वेटन वायसराय हाउस पहुंचे। अब कुछ ही वक्त बचा था भारत को आजाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो वहीं कुछ लोगों के चेहरे पर उत्साह। और यहां पर जवाहरलाल नेहरू अपना भाषण देना शुरू करते हैं। उनकी स्पीच की शुरुआत इन दो लाइनों से शुरू होती है। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। दोस्तों कुछ ही देर बाद वह घड़ी आ ही गई जब भारत ने आजादी की सांसें ली। रात 12 बजे शंखनाद से हमारे देश की आजादी प्रारंभ हुई थी, जिसमें ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी की नारा लगा रहे थे और जो लोग उनका ये भाषण रेडियो या फिर किसी चीज पर सुन रहे थे उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि दोस्तों उस वक्त भारत एक आजाद परिंदा हो गया था और इस घड़ी का हमने करीबन 200 सालों से इंतजार किया था। 14 अगस्त 1947 के दिन रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था, जब सुबह 8:30 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट ने शपथ ली और ब्रिटिश सरकार की झंडे को हटाकर आजाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देख सभी भारतीयों की छाती चौड़ी हो गई थी, क्योंकि दोस्तों अब हमें वो झंडा दिखने लगा था जिसे हम वर्षों से देखने के लिए तरस रहे थे। जब राजधानी दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त गांधी जी दिल्ली से हजारों किमी दूर पश्चिमी बंगाल के नोवाखली में थे और राज्य में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि पंडित नेहरू के ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना था, मगर गांधी जी नहीं सुन पाए थे। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात जब लोग सोए तो गुलाम देश में थे, लेकिन अगली सुबह उनकी आजादी की सुबह थी। मगर जितनी खुशियां हमें आजाद होने में थी उतना ही गम इस अखंड भारत को टूटने में था, क्योंकि दोस्तों भारत ने अपना 3,46,737 किलोमीटर की एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया और करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो लोग कुछ समय पहले ही भाई की तरह जिंदगी जी रहे थे वो अब एक दूसरे की जान लेने में तनिक न हिचकते थे, क्योंकि 14 अगस्त के रात 12 बजे पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत दो हिस्सों में बट गया, जिसमें कि एक हिस्सा को पाकिस्तान ने रखा और दूसरे हिस्से को हिंदुस्तान ने रखा, और इस वजह से कई सारे दंगे भी हुए। जो लोग खुद को पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस समझते थे वे वहाँ चले गए और जो लोग भारत में सुरक्षित महसूस करते थे वे यहाँ पर आ गए। कहा जाता है कि करोड़ों लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। इन दंगों में काफी लोग मौत के घाट उतर गए थे। ये उस समय दुनिया का संभवतः सबसे बड़ा विस्थापन था और ये सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत का ही था, जिसने डिवाइड एंड रूल का खेल पहले से ही खेला था, जहाँ पर उसने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम की बीज भर दिए थे। वरना आजादी के पहले तक हम सभी भाइयों की तरह ही जी रहे थे। वो अंग्रेज ही थे जिसने हमें हमारे जाति के आधार पर हमारा व्यक्तित्व याद दिलाया, जिसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे। और दोस्तों हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का वादा महात्मा गांधी पहले ही कर चुके थे, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश की मांग की और इसी वजह से ये सारा खेल शुरू हुआ। 15 अगस्त 1947 में खत्म हुआ। दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत को आजाद करने की बात बहुत पहले से ही चल रही थी और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने माउंट बेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया था, ताकि इसके बाद भारत को आजाद घोषित कर दिया जाए। लेकिन भारत के हिंदू और मुसलमान भाई आपस में लड़ने में उतारू थे और ब्रिटिशर्स यही चाहते भी थे, क्योंकि दोस्तों ये लड़ाई की चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी जो आग बनकर अब तक भी हमारे सीने में जल रही है। लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा अफसोस की बात ये है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ हर वो जुल्म किए जो हम याद करें तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी उन्हें बरातियों की तरह विदा किया गया, जहाँ 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश लौटी। वही उसकी आखिरी टीम 1 साल बाद 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। और जब ब्रिटिशर्स की आखिरी टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी तो उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया और उसी दिन से
से सारे ब्रिटिशर्स का नाम हमारे देश के नक्शे से निकल गया। दोस्तों ये थी हमारी आजादी की पूरी कहानी, लेकिन क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि जिस भारत का ख्याल करके हमारे देश की स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवा दी थी और कई लोग अपने आखिरी श्वास तक हमारे देश की सेवा के लिए लड़ते रहे, क्या उस देश को हम बना पाए हैं या फिर नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं और एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।